तो अब तक की हमारी जर्नी में हम 3000 किलोमीटर दूर से अपनी मोटरसाइकिल चला के सूरत से लद्दाख आके उमलिंगला टॉप पहुंचते हैं, लेकिन हमारा असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब हम उमलिंगला से हान ले जाने वाले हैं, वो भी नुरबुला होके, जो कि बहुत ही एडवेंचरस 35 किलोमीटर लंबा ऑफ रोड है, जिसमें हम पूरा एक पहाड़ सीधा उतरने वाले हैं, वो भी बिना रोड के, और बहुत सुंदर नज़ारे भी देखने वाले हैं विथ अमेजिंग ड्रोन शॉट्स। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। वापस से जा रहे हैं नीचे, भाई क्या लोग है यार। ठीक है सब आए, सबको फोटो लेना है, एक फोटो लो, दो फोटो लो, खत्म करो बात। साला 10-10, 15-15 फोटो अलग अलग पोज में, और एक महान आदमी तो ऐसा मिला, एक लेडी थी और एक आदमी था, दोनों फोटो खींच के हो गया। बाद में फिर उसने सिगरेट जलाई उसी टॉप पे, बोलता है सिगरेट ले पीते हुए फोटो लो मेरी, उसके ग्रुप वालों को बोल रहा था साला। ये मतलब क्या चीज़ है यार। ठीक है फोटो लो, खत्म करो बात, सबको लेनी है, सब फोटो खींचने के लिए आए, सब यहाँ पे आए, लेकिन ये क्या बात है, स्मोकिंग करते हो तुमको फोटो लेना है और उसमें सिगरेट भी दिखना चाहिए, वाह। तो भाई वापस नीचे उतर के आ चुके हैं चिसुमले, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। अरे भाई साहब बहुत भीड़ है यहाँ तो, कोई नहीं आगे चलते हैं। सुबह हम आए थे यहाँ से, अब जाना है यहाँ नुरबुला टॉप, 17 किलोमीटर्स। और इसी साइड से वो हमको पूरा ऑफ रोड लगने वाला है हानले तक। यहाँ पे क्या लिखा है, बड़े भाई साहब। तो पहुंच चुके हैं नुरबुला टॉप, वो वहाँ पे ऊपर है हीरा। अब यहाँ से हानले तक पूरा ऐसे ही कच्चा रास्ता है, वहाँ से हम आए कुछ 500 मीटर के आगे पक्का रोड, फिर ये रोड शुरू हो जाता है। तो ये रोड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना रेस्टोरेंट ना कैफे, तो वो इसके आगे जो था चिसुमला या कुछ करके, वहाँ पे खाना पीना है तो वहाँ पे खा लो, साथ में कुछ लेना है तो ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, पूरा ऑफ रोड है। निकलते अभी यहाँ से, अभी यहाँ से नीचे उतरना है, 30-32 किलोमीटर है यहाँ से हानले, चलते हैं। भाई बहुत भयंकर हवा चल रही है, बहुत तेज। बहुत स्टीप है ये, राय सही है, पूरी रेत है ये, रेत गाड़ी स्किड कर रही है पूरी, पीछे का टायर सीधा हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। आगे गई ट्रैम टाइगर 900, साला ऐसे टाइम पे क्यों क्रैम्प आता है पैर में। और भाई ऐसे टाइम पे ना, अगर आपसे कोई आगे जा रहा है तो जाने दो, उसको देख के प्रोवोक मत हो, प्रोवोक मत करो खुद को, हमेशा ऐसे सिचुएशन में ऐसी जगह पे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और अपने स्किल्स के हिसाब से ही गाड़ी चलाना चाहिए। मैंने बहुत देखा है लोग, अगर उनके सामने से कोई फास्ट जा रहा है तो वो भी प्रोवोक हो के, वो भी मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, प्रोवोक हो जाते हैं और फास्ट चलाने लगते हैं।
हमेशा अपनी कैपेसिटीज़ को जानो, अपने स्किल्स को जानो। हमको खुद को पता होता है हम कितना कर सकते हैं कितना नहीं, तो उस हिसाब से गाड़ी चलाओ। अच्छा वो आते टाइम ये रास्ते से नहीं आए, वरना पूरा चढ़ना पड़ता। वैसे तो चढ़ ही नहीं पाते इतना, क्लच प्लेटें उड़ जाती है हमारी। और यहाँ पे कोई भी एक ट्रैक पकड़ के चलते रहो, सीधा पहाड़ से उतर रहे। मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है। ओ भाई क्यों आए इधर से। बस अभी थोड़ा सा ही बचा है। हाँ फाइनली उतर गया, और नीचे उतर रहा है। भाई ये हार्डेस्ट था, ये हो गया। मत जाओ बे, मत जाओ बे। सी नहीं चढ़ा जा रहा, हमने उनको बोला मत जाओ, स्टिल दे वेंट। दोनों गिरने वाले हैं, अब इनको वापस नीचे आना पड़ेगा। वो नहीं चढ़ा सकते वहां से, क्रैम्प आ गया पाँव में, क्रैम्प आ गया पाव में, करे पाइचागत। हाय मैं रुकना पड़ेगा भाई थोड़ा। तो फाइनली एक घंटे बाद नूरबुला टॉप से नीचे उतर चुके हैं, एकदम धीरे धीरे। वो वहां से पूरा स्टीप डिक्लाइन था, यहां से तो कम दिख रहा है, एक्शन कैम ने आपने देखा ही होगा। तो दिस इज हाउ नूरबुला लुक्स, पूरी बंजर जमीन, ना रोड, सिर्फ ये ट्रैक्स, और इसी को फॉलो करते हुए जाना है हमको हमले तक। फाइनली हानले के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और ये ऑफ रोड होता है यहाँ पे ख़त्म, और वहाँ से शुरू होता है अच्छा रोड। भाई पहुंच चुके वापस जहाँ से निकले थे हानले अपने होम स्टे में, अभी थोड़ा रुकेंगे हम। यहाँ वापस हमने 700 का पेट्रोल ब्लैक में लेके अपनी बाइक में डाला और न्योमा के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले रेस्टोरेंट में रुक के कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, सिर्फ वो ब्रेड ऑमलेट था उतना ही, क्योंकि बीच में कुछ मिला ही नहीं खाने का। उमलिंगला से नीचे वो क्या नाम है उस चिसले, क्या नाम बोल गया, वहाँ पे था लेकिन भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए फिर वहाँ नहीं रुके हम, सीधा यहाँ गए। अभी देखते हैं अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते, खाते फिर निकलते आगे न्योमा तक। आज हम करेंगे न्योमा में स्टे, भी ऐसा है प्लान, देखते हैं। ये आ गया चेक पोस्ट, फिर आगे थोड़ा आगे जाके देखते कुछ खाते हैं। तो यहाँ रुकते हैं थोड़ा, प
भयंकर भूख लगी है, भयंकर हालत खराब है। आई चागावत, बाप रे। तो यहाँ पे अंदर पूरे फॉरेनर्स रुके हुए थे, निकले वो अभी। हम जाते खाते तो भाई निकल चुके हैं नाश्ता वास्ता करके, एक ब्रेड ऑमलेट, एक बर्गर, एक कॉफी। अभी वापस से फुल एनर्जी आ गई। अभी देखते हैं, या तो लुमा जाएंगे या तो फिर अगर चुमथांग तक खींच पाए चुमथांग निकल लेंगे। तो फाइनली हम न्योमा पहुंचते हैं और यहाँ खूबसूरत पद्मा होमस्टे में हम रुकते हैं। तो अभी हो रहा है डिनर टाइम है। यहाँ के ओनर पद्मा होम स्टे के, कैसे हो भैया? बस कुछ खास। का नाम बताओ एक बार। पद्मा यंगजोर, आपको मुश्किल लगेगा। इनकी डिटेल्स मैं दे दूंगा और ये इनका होम स्टे और टीवी भी है, मैच चल रहा है फिलहाल। दिस इज क्यूटी। ये साइड में रूम्स है, डिनर एरिया। चलते खाते फटाफट अभी।